चेक इंजन लाइट अभी भी जल रहा है P0107। यही हम लोगों का कोड आ रहा है, गूगल पे सर्च करेंगे P0107। ये सेंसर हम लोगों का ख़राब हो गया है। ये हम लोगों का टोटल बॉडी में दिया गया है, यही सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा 99% बाइक में बजाज होगा, ये कोड आ रहा है, तो हम लोगों इसे बदलना पड़ेगा। हमने शोरूम से जाके और ये सेंसर लगाया और इसका पार्ट नंबर है, देखिए 36PD0112 और इसका कीमत है 985 रुपया। गाइस ये हम लोग का सेंसर, ये मैग्नेट लगा हुआ है, इसको भी दिया गया है, इसको भी हम लोग ओपन करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा है कि नहीं। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहाँ गौर कीजिए आप लोग। आसानी से चेक कीजिए, लाइट जो है हम लोग का रिमूव हो गया। गाइस वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, यहाँ देखिए बाइक में हम लोग का दिया जाता है चेक इंजन लाइट, यानी कि माल फंक्शन लाइट, अगर बाइक चलते चलते अचानक जल जाता है तो हम लोग को ये बताता है जो बाइक में कोई हम लोग का फोल्ड हुआ है, कोई सेंसर हम लोग का फोल्ड हुआ है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे ये सेंसर हम लोग का लाइट क्यों आ रहा है, जैसे कि आप लोग पहले दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। बाइक स्टार्ट हो गया गाइस, लेकिन चेक इंजन लाइट अभी भी जल रहा है। चलो बाइक को बंद करते हैं। तो गाइस एक्चुअली जो चेक इंजन लाइट है किस कारण से आ रहा है और इसे हम लोग रिमूव करेंगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत होता है एक स्कैनर मशीन की, इसकी मदद से हम लोग जैसे बाइक को स्कैन करेंगे। तो चलो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। सबसे पहले ओके मारेंगे और पूरे बाइक को अभी कैप्चर कर रहा है और एक्चुअली हम लोग को बताएगा जो क्या फोल्ड है बाइक में। DTC इसका मतलब इशू के साथ हम लोग एक फोल्ड बता रहे हैं ऊपर। चलो ओके बटन मारता हूँ और रेड कोड पे हम लोग चेकअप करेंगे जो कोड किस काम से आ रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए मैनी फोल्ड एब्सोल्यूट, यानी कि इस तरह का बता रहा है। अब यहाँ देखिए P0107, यही हम लोगों का कोड आ रहा है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई को पता नहीं है जो इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है जो ये कोड जो आ रहा है इसकी मदद से हम लोग जाँच करेंगे एक्चुअली क्या फोल्ड है। चलो दूसरा मोबाइल लाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं एंड्रॉयड मोबाइल पर। देखिए गूगल पे सर्च करेंगे P0107, तो यहाँ काफ़ी सारे कोड आ गया है। चलो इसको हम लोग प्रेस करते हैं और ओके करेंगे। करने के बाद हम लोग को बता रहा है ये वाला हम लोग को सेंसर बता रहा है, ठीक है ये सेंसर हम लोगों का ख़राब हो गया है। तो इसका मतलब देखिए P0107 यही इसका कोड है और आप लोगों को 100% दिखाया एक्चुअली प्रूफ करके। तो चलो ये कहाँ रहता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखिए ये हम लोग का थ्रोटल बॉडी में दिया गया है, यही सेंसर ज़्यादा से ज़्यादा 99% बाइक में बजाज होगा अभी आ रहा है, ये कोड आ रहा है, तो हम लोग को इसे बदलना पड़ेगा। तो चलो मार्केट में हम लोग देखते हैं ये सेंसर हम लोग को मिल रहा है कि नहीं और लाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ जो कैसे हम लोग जैसे कि सेंसर को बदले। तो सो गाइस जैसे कि मैंने पूरा थ्रोटल बॉडी को ओपन किया है, थ्रोटल बॉडी भी चेकअप करना है, इसके अंदर ड्रेस पड़ा रहता है, इसे हम लोग क्लियर कैसे करें। तो चलिए वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए, आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आप हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेंसर ओपन करेंगे जो हम सेंसर बदलने वाले हैं। चलिए वाओ गाइस देखिए कितना ड्रेस पड़ा हुआ है, ये सब हम लोग को सफाई करना है। तो थ्रोटल बॉडी जो क्लियर है इसे हम लोग वॉश करेंगे और थ्रोटल बॉडी सफाई इसी से करते हैं। पहले जितने भी गोड़ा गोड़ा है सब हम लोग इसे डालेंगे गाइस, ठीक है इसे डालेंगे। होटल के अंदर काफ़ी सारे कचरा है, इसे हम लोग थोड़ा भिगो के रखेंगे और देखिए कितना एकदम कचरा है, देखिए कैसे गिर रहा है सब। तो चलो इसे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। नाम की तो सो गाइस आधा घंटा हो चुकी है और मैंने जैसे कि
थ्रोटल बॉडी क्लीनर की मदद से मैंने जैसे कि भिगो के रखा था। अब जैसे कि थोड़ा और भी मारेंगे और हम लोग जैसे कि ये जो ब्रश है, ब्रश की मदद से हम लोग थोड़ा घिसाई करेंगे और जितना भी कचरा वगैरह है सब यानी कि निकल जाएगा और थ्रोटल बॉडी हम लोग का वॉश हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलो सफाई कर लेते हैं और कितना कचरा गिरेगा आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। एकदम ड्रस पड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर ख़राब होता है हम लोगों का ड्रस पड़ने के कारण। बॉडी हम लोगों का एकदम झकास से वॉश हो चुकी है और सफाई भी हो चुकी है। अब आसानी से हम लोग सेंसर न्यू लगाएंगे जिसमें कि काम हो। तो सो गाइस, हमने शोरूम से जाके और ये सेंसर लगाया और इसका पार्ट नंबर है देखिए 36PD0112 और इसका कीमत है 985 रुपया। ये सेंसर हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो चलो क्या क्या दिया गया है इसके अंदर हम लोग देखेंगे। गाइस ये हम लोग का सेंसर और इसमें हम लोगों का मैग्नेट का जो एक्चुएटर दिया गया है देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, इसको भी दिया गया है, इसको भी हम लोग ओपन करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। तो चलो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए, पहले इसे हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। ये मैग्नेट सिस्टम हम लोग का दिया गया है देखिए, देखिए ये मैग्नेट है। ठीक है, तो चलो मैंने ओपन किया और इसके अंदर जो सेंसर है ये सेंसर हमने निकाल दिया है। ठीक है, और ये वाला जो सेंसर है नया वाला इसे हम लोग फिटिंग करेंगे। तो चलो इसमें कार्डिंग दिया गया है, इसको हम लोग पहले लॉक ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लिया है, अब यानी कि इसमें हम लोगों का घाट दिया गया है। अब इसे हम लोग इस तरह से कुछ फिटिंग करेंगे, बस 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 बस। तो गाइस चलिए, अब हम लोग का ये न्यू सेंसर है और मैंने इसे भी अटैच कर दिया है। तो चलो हम लोग इसे फिटिंग करेंगे, बस नया नट। की जगह इसी साइड में रहेगा, ठीक है, इसी जगह पर, और इसी तरह से अगर लगा देंगे तो भी फिटिंग हो जाएगा। लेकिन कपलर का जो सिस्टम है यहाँ दिखाइए, इसको थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोगों को इसे इसी हिसाब से लगाना है। बस तो गाइस थ्रोटल बॉडी हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है और चलो बाइक में फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद आप लोगों को सेंसर कटता है कि नहीं और जो फोल्ड हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था और ये लगाने के बाद सही हुआ है कि नहीं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सो गाइस यानी कि और भी बाइक में काम था, सब मैंने सार लिया है। जैसे कि हेडलाइट बॉल्ट मैंने चेंज किया, तो हेडलाइट बॉल्ट चेंज करने के लिए हम लोग को पूरा कवर सामने का वाइजर हम लोग को ओपन करना पड़ता है, तो ये सब काम हो गया है। अब बाइक को एक्चुअली हम लोग चेकअप करेंगे बाइक में खोल्ड आ रहा है कि नहीं। ये जो सेंसर हमने लगाया है जैसे कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमने जो लगाया है, इशू कंट्रोल यूनिट को फिर बताना पड़ेगा जैसे अपडेट करके। तो सो गाइस सबसे पहले हम लोग बाइक को क्लियर डाटा करेंगे जो हमने सेंसर लगाया है। तो चलो इग्निशन ऑन किया और जैसे कि क्लियर डाटा करेंगे बताएंगे इशू कंट्रोल यूनिट को कि हमने थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमने लगा दिया है। अभी पूरे बाइक को कैप्चर कर रहा है और यहाँ को वही फोल्ड आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों को दिखाता हूँ। एक फोल्ड अभी भी बता रहा है, अभी तो जैसे कि हमने अपडेट नहीं किया है ना, यानी कि वही फोल्ड बता रहा है। चलो बैक जाते हैं, इरेज कोड पे मारेंगे
बस अभी बाइक हम लोग का जैसे कि अपडेट हो रहा है, बस एक बार इग्निशन हम लोग को बंद करना पड़ेगा। तो गाइस एक बार हम लोग चेकअप करेंगे यानी कि बाइक में वो कोड गया है कि नहीं, मैंने तो अपडेट कर लिया है, अब हम लोग फाइनल चेकअप करेंगे उसमें कोई कोड आ रहा है कि नहीं। चलो ओके बांधता हूँ, DTC 00 इसका मतलब ओके मारेंगे और रेड कोड पे मारेंगे। तो यानी कि अभी हम लोग को बता रहा हैज़ व्हीकल्स हैव्स नॉट फॉल्ट कोड, यानी कि कोई भी बाइक में अभी कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। चलो बाइक को स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली हम लोग देखेंगे चेक इंजन लाइट आ रहा है कि नहीं। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहाँ गौर कीजिए आप लोग, आसानी से चेक इंजन लाइट जो है हम लोग का रिमूव हो गया गाइस। तो आसानी से चेक इंजन लाइट हम लोग का रिमूव हो गया है और बाइक का पिकअप भी जैसे कि हम लोग का सही हो गया है। तो चलिए कुछ आप लोग को डिटेल्स दे देता हूँ, बंद करता हूँ बाइक को। तो सो गाइस ये जो आप लोग देख रहा है इस सेंसर का नाम जो है हम लोग का थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसे थ्रोटल डिटेक्ट करता है, जो थ्रोटल हम लोग किस हिसाब से घुमाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बजाज कंपनियों का जो बाइक है BS6 जब से आया है, बजाज पल्सर हो 150 या जैसे कि 220 एवेंजर, ये सब बाइक में 99% बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास से मैं BS6 बाइक का काफ़ी सारे काम करता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे मैकेनिक भाई भी लाते हैं और जैसे कि कस्टमर भी लाते हैं, तो काफ़ी सारे बाइक में मैंने लगाया था और सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन जल्दी कुछ ख़राब हो जाता है। तो कंपनी को ये सब चीज़ सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बजाजों के बाइक में ये सेंसर ज़्यादा ख़राब होता है। और भी काफ़ी सारे बाइक है, यामा का है, होंडा का है, जैसे TVS का है, उसका ज़्यादा फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ बजाज कंपनी का बाइक ख़राब है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर को जैसा पड़ता है और ख़राब जैसे कि हो जाता है तो परेशान हो जाता है। तो कुछ चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो कंपनी को सोचना चाहता है ये ख़राब क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा बदलना चाहिए, इसको और भी थोड़ा मोटिवेशन करना चाहिए, जिसमें कि बजाज कंपनी का जो नाम रोशन हो और बाइक अच्छा चले। तो मैंने अभी तक तो बाइक को ठीक कर दिया है, आगे फिर कितना दिन जाते हैं ऊपर वाला जाने। तो चलो यहाँ से गाइस हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।